नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। यहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवा दी है। SBI ने बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड का मूल्य और विशिष्ट संख्या, इसे भुनाने वाली पार्टी का नाम और बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक की जानकारी दी है। SBI ने सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक अकाउंट और KYC ब्यौरा का खुलासा नहीं किया है। संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक होने से अब चुनावी चंदे की पूरी तस्वीर साफ होगी। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच को आसान बनाने के लिए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट का मकसद बैंकिंग सेवाओं को दिव्यांगों समेत सभी लोगों के लिए सुलभ बनाना है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो बैंकों के भीतर विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसके मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जानकारी या सेवा काउंटर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो। इसमें व्हीलचेयर यूजर्स, छोटे कद के व्यक्तियों और देखने सुनने में अक्षम लोगों के लिए प्रावधान शामिल है। अगले हफ्ते से शेयर बाजारों में T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल का बीटा वर्जन शुरू होगा। बाजार नियामक सेबी ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शुरुआती चरण में सेम डे सेटलमेंट की सुविधा सीमित संख्या में ब्रोकर्स और चुनिंदा स्टॉक के लिए उपलब्ध होगी। ये सुविधा सुबह 9:15 से दोपहर 1:30 तक ही उपलब्ध होगी। इक्विटी कैश मार्केट में मौजूद T+1 सेटलमेंट के साथ ही T+0 सेटलमेंट ऑप्शनल तौर पर उपलब्ध होगा। सेबी का कहना है कि कम अवधि में सौदे का निपटान होने से निवेशकों के समय की बचत होगी और उनकी लागत भी घटेगी। शुल्कों में पारदर्शिता आएगी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम में रिस्क मैनेजमेंट मजबूत होगा। स्टार्टअप का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना अब आसान होगा। सेबी ने स्टार्टअप्स के लिए मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नियमों में छूट दी है। अभी किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए उससे प्रमोटर की कम से कम 20% हिस्सेदारी जरूरी होती है। कई स्टार्टअप्स पूंजी जुटाने के लिए इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी ऑफर करते हैं, इससे कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी काफी कम रह जाती है। सेबी ने कहा है कि अब एलिजिबल इन्वेस्टर्स की लिस्ट बढ़ाई जाएगी। ऐसे में नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया जाएगा जिनका कंपनी में 5% या इससे ज्यादा हिस्सेदारी होगी। पिछले 6 महीने के दौरान सभी सरकारी बैंकों का NPA कम हुआ है। वहीं 67% प्राइवेट बैंक NPA घटाने में सफल रहे। फिक्की IBA सर्वे के मुताबिक NPA के मामले में प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में अधिक सुधार हुआ है। फिक्की IBA बैंकर्स रिपोर्ट में शामिल आधे से ज्यादा बैंकों का मानना है कि अगले 6 महीने में ग्रॉस NPA 3 से 3.5% के दायरे में रहेगा। वैश्विक बाजारों में तेजी आने से भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई। BSE सेंसेक्स 539 अंक उछलकर 72,641 अंक पर बंद हुआ। यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स लाभ में रहा। NSE निफ्टी भी 172 अंक चढ़कर 22,011 अंक पर पहुंच गया। BSE मिड कैप इंडेक्स 2.36%, जबकि स्मॉल कैप में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से बाजार में तेजी का माहौल रहा। आज सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,130 रुपये उछलकर 67,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1,100 रुपये की तेजी के साथ 77,750 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,202 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $25.51 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस साल ब्याज दर में 3 बार कटौती के संकेतों के बाद डॉलर में बिकवाली बढ़ गई। इससे सोने को समर्थन मिला और उसकी कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। शेयर बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ऐसी स्कीमों में नया निवेश लेने से रोक दिया है जिनका निवेश विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में किया जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड दो तरह से विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। पहला तरीका सीधे विदेशी स्टॉक्स खरीदना, दूसरा तरीका ऐसे ETFs की यूनिट खरीदना जो विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। सीधे स्टॉक्स खरीदने वाले म्यूचुअल फंड की लिमिट $7 अरब तय है, जबकि ETF में निवेश की लिमिट $1 अरब है। म्यूचुअल फंड अपनी इस लिमिट के करीब पहुंच चुके हैं, इस वजह से सेबी ने नया निवेश न लेने का निर्देश दिया है।
लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद के साथ मोदी सरकार ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बजट में सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार अगले 25 साल के रोडमैप के साथ ही साथ सरकार के पहले 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि तीसरी बार सत्ता में आने के भरोसे के साथ जुलाई में आने वाला पूर्ण बजट धमाकेदार होगा। सरकार पूर्ण बजट में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। कुछ कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर की वैश्विक कंपनी टीएसी इंफोसेक लिमिटेड का आईपीओ 27 मार्च को खुल रहा है। टीएसी इंफोसेक ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 100 से 106 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ 2 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशक 26 मार्च को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी के शेयर एनएससी के एमएसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए, और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आपने भी मनी 9 का अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, गुड नाइट।